हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आज एक नई एपिसोड में, नई वीडियो के साथ। आज हम आ रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में। वैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में, तो आज श्रीनगर में 26 तारीख को जो है बृहद विभिन्न विद्यालयों की झांकियाँ निकलेगी। तो आपको दिखाते हैं लाइव झांकियाँ, और ये झांकी होगी श्रीनगर की गोला बाजार में। चलते हैं गोला बाजार से। यहाँ पे किरदार इस मुखौटे के पीछे छुपे हैं। रंभाण जो लोक नृत्य है वो मुखौटा पहन के किया जाता है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीकों से अपने किरदार को प्रदर्शित करते हैं। रंभाण उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूड़ गाँव में प्रतिवर्ष वैसाख माह के अप्रैल में आयोजित होने वाला एक वो उत्सव है जो रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रंभाण कहते हैं। इसमें विभिन्न चरित्र लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को द्वारा साल 2009 में इस रंभाण नृत्य को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा भी दिया गया है। इन सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवश्यकता है क्योंकि हम अपने स्वार्थ के कारण इनको नष्ट करने पर तुले हैं। वनों की जब रखवाली होगी तभी तो पृथ्वी पर हरियाली होगी। पेड़ लगाएं। और जो कि प्रधानाचार्य हैं जीआईसी देवलगढ़ से, और हमारे बीच में निर्णायक मंडल में है रेखा नेगी जी, रश्मि गौड़ जी, इंद्रमोहन नेथारी जी, आप सभी जजेस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। निर्णायक मंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी आज निर्णायक की भूमिका में इस झांकी में आपने अपना सहयोग दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली जो झांकी आपके सामने आने जा रही है, विद्यालय का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल श्रीनगर गढ़वाल। ये अपना जीवन अर्पण किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों की, चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार भगत सिंह जी, बाल गंगाधर तिलक जी, रानी लक्ष्मीबाई और लाला राजपत राय जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, विष्णु देवी शाह जी, उत्तराखंड की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। जा रहा है वो है आरसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और इनकी झांकी है
गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। जब भारत स्वच्छ होगा तभी हर नागरिक स्वस्थ होगा। झांकी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि वह अपने घरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखेता है। माँ नौ दुर्गा के रूप में इन बेटियों को पूजा जाता है। बहुत सुंदर और खूबसूरत ये लग रहे हैं, कितने खूबसूरत किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं, चाहे वो एक गृहिणी, चाहे वो सामाजिक, चाहे हो सांस्कृतिक। एंजल हेवन स्कूल के नन्हे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में प्रतिनिधित्व करते हुए खेलों के इंडिया थीम के अंतर्गत झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी खेलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहले कहा जाता था कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेल कूद कर क्या करोगे, पर अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया है। जब खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा ना इंडिया, तो खेलेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आज ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, चाहे खेलकूद से जुड़ी हो, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। और इस झांकी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। द्वारा